हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो ओरिजिन। दोस्तों, व्हाट्सएप ने व्यू वंस के नाम से एक फीचर्स लॉन्च किया है। ये व्यू वंस का फीचर्स व्हाट्सएप ने कुछ महीने पहले टेस्टिंग के लिए बस बीटा वर्जन में लॉन्च किया था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में व्हाट्सएप ने सारे व्हाट्सएप पे ये लॉन्च कर दिया गया है। अब आप भी अपने व्हाट्सएप में व्यू वंस का फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि आखिर ये व्यू वंस का फीचर्स आखिर है क्या, आप इसे अपने व्हाट्सएप में कैसे इनेबल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, तो यही मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि मैं यहाँ पे इस तरह के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी आप अपने WhatsApp से किसी को फोटो या फिर वीडियो सेंड करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले गैलरी में जाते हैं और वहाँ से कोई फोटो या फिर वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं, देन आप उसे सेंड कर देते हैं। और जब आप इस वीडियो या फोटो को सामने वाले को सेंड करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उस फाइल का फॉर्मेट कैसे दिखाई देता है, और ये फोटो या वीडियो जब सामने वाले को सेंड हो जाती है तो वो इस फाइल को किस तरह से देख सकता है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जैसा फ़ोटो सेंड किया तो वो वैसा ही वहाँ पर स्क्रीन पर शो कर रहा है, और ये फ़ोटो वो जब तक नहीं चाहेगा तब तक ये फ़ोटो उसके व्हाट्सएप से डिलीट नहीं होगी। लेकिन अब मैं आपको व्यू वंस के फीचर्स के बारे में बात करूंगी। यदि आप व्यू वंस के फीचर्स को इनेबल करके किसी को वीडियो या फिर फोटो सेंड करते हैं और यदि वो इसे एक बार भी देख लेता है तो उसके व्हाट्सएप से ऑटोमेटिकली जो है तुरंत उसके व्हाट्सएप से डिलीट हो जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप व्यू वंस का फीचर्स को इनेबल करके किसी को वीडियो या फिर फोटो सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गैलरी से जिस भी फोटो या फिर वीडियो को सेंड करना है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। देन आप जब इस फाइल को सेंड करते हैं तो टेक्स्ट लिखने का बॉक्स में जो एक आइकन दिया गया है वन का, उस पर आपको क्लिक करना। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो व्यू वंस का फीचर जो आपका इनेबल हो जाता है। उसके बाद आपको इसे यहाँ से सेंड कर देना है, और जब आप इस तरह से फाइल को सेंड करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फाइल का फॉर्मेट एकदम से चेंज हो चुका है, जबकि मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो सेंड किया था। और जब सामने वाले को ये फ़ोटो सेंड हो जाती है और जब वो इस फ़ोटो को सेंड करता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फाइल का फॉर्मेट यहाँ पे किस तरह से दिखाई दे रहा, और जब वो इस फोटो पे क्लिक करता है तो उसके सामने वो फ़ोटो ओपन हो जाती है जो मैंने उसे सेंड किया था। और इस फोटो को एक बार देखने के बाद जो है ये फ़ोटो उसके व्हाट्सएप से ऑटोमेटिकली जो हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है, और इसके बाद इस फाइल पे आप कितना भी क्लिक करें वो फ़ोटो आपका ओपन नहीं होती है। तो ये था आपका व्हाट्सएप का व्यू वंस का फीचर्स। तो दोस्तों, ये था व्हाट्सएप का व्यू वंस का फीचर जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आपको ये फीचर्स आपके व्हाट्सएप में नहीं मिल पा रही है तो आप अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लें, अपडेट करने के बाद ये फीचर्स आपके व्हाट्सएप में मिल जाएगी। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।